अज्ञात शख्स के खिलाफ भारत के पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल ने मुंबई में पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट चुकी। हाल ही में BCCI को धमकी भरा मेल कर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी देने वाली खबर आई थी और भारत के पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर संदीप पाटिल के नाम का फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर दर्जनों भर से ज्यादा क्रिकेटरों को मैसेज कर अलग अलग क्रिकेटरों के नंबर मांग रहा है। इस शख्स का मकसद क्या है मुंबई पुलिस को भी नहीं पता है। कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के ATS ने आसाम से एक शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने BCCI को एक धमकी भरा ईमेल भेजकर भारतीय खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी थी। अब एक और नया मामला सामने आया है। फेसबुक प्रोफाइल अभी कुछ दिनों पहले ही बनाया गया है जिसकी जानकारी पाटिल को बिल्कुल भी नहीं थी। अचानक कई क्रिकेटरों के द्वारा संदीप को कॉल करके संपर्क किया गया और बताया गया कि संदीप तुम अलग अलग क्रिकेटरों के नंबर क्यों मांग रहे हो जबकि तुम्हारे पास तो सभी के नंबर मौजूद हैं। संदीप भी चौंक उठे। फिर बाद में पता चला कि कोई अज्ञात शख्स संदीप पाटिल के नाम और फोटो का इस्तेमाल करके नया अकाउंट बनाया है जो लगातार कई खिलाड़ियों को मैसेज कर उनका नंबर मांग रहा है। संदीप को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वे 26 अगस्त 2019 को नजदीकी शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में पहुंचकर मामला दर्ज करा चुके हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि उस अकाउंट को बंद कर दिया गया है। शिवाजी पार्क पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सूर्यकांत गायकवाड़ ने बताया कि पुलिस ने IPC की धारा 66C के तहत मामला दर्ज कर साइबर पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। क्या कुछ आपकी शिकायत थी क्या कुछ या किसी ने मेरे नाम की गलत FB ID बना के गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे बोर्ड वाले के नंबर पूछ रहे मेरा नाम यूज करके इसीलिए मैंने यहाँ पे दर्ज की शिकायत। सर क्या कुछ और लिखा गया था? बेसिकली ऑल दी बोर्ड मेंबर्स बोर्ड के जो पदाधिकारी है उनके जो पर्सनल या हमारे जो क्रिकेट सर्कल के फ्रेंड्स है उनके नंबर्स फोन नंबर्स हम किसी को देते नहीं है जी, जी। तो मेरा नाम यूज करके ये जो फेक ID उन्होंने बनाया है और पिछले दो हफ्ते से सारे जो मेरे दोस्त है उनको ये मैसेज कर रहा है कि मुझे ये नंबर चाहिए उनका नंबर चाहिए BCCI के जो आला अधिकारी है उनके नंबर चाहिए। तो मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके बोला कि आप क्यों नंबर मांग रहे हो जबकि मेरे पास सारे नंबर है जी। इसीलिए मैंने ATS ने रिसेंटली एक आदमी BCCI को मेल किया था कि दे मतलब सारे क्रिकेट को तो सर ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं I did a duty which I am supposed to do because if someone is using my name अगर कोई मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है बोर्ड की तरफ से तो ये गलत है एंड ऑल्सो डेंजरस मतलब ये नेचुरली अभी किस हद तक जाएगा किस लेवल तक जाएगा पता नहीं मुझे इसलिए बेस्ट थिंग इज टू मेक अ पुलिस कंप्लेंट विच आई डिड टुडे। सर कुछ ऐसे बड़े क्रिकेटर्स के भी कुछ बड़े सारे सारे जो बड़े बोर्ड के सारे अध्यक्ष से लेके पूरे ऑल बोर्ड में सबके नंबर सबके नंबर मांगे थे जबकि मेरे पास सब नंबर है क्योंकि 21 साल में बोर्ड में काम कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरे पास किसी का नंबर नहीं है सारे के सारे नंबर मेरे पास है। कपिल देव जी सचिन जी मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन ये गलत था इसलिए मैंने सोचा कि आके मैं पुलिस कंप्लेंट। थैंक यू सर थैंक यू।